सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रितेश पांडे, भाजपा प्रत्याशी मुकुट बिहारी सहित प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी प्रेमनाथ, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल प्रत्याशी राम सिंगार, हिंदुस्तान निर्माण दल के प्रत्याशी परशुराम और निर्दलीय रूप से पुष्पा अनिल ने 55 लोकसभा क्षेत्र से संसदीय चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र कल दाखिल किया। विगत दिनों हुए नामांकनों को मिलाकर कुल 12 प्रत्याशियों ने अभी तक नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि आज नामांकन की अंतिम तिथि है। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी सुरेश कुमार ने सभी का नामांकन पत्र प्राप्त किया। गठबंधन और भाजपा प्रत्याशियों में भीड़ जमा करने का एक मुकाबला नजर आ रहा था। गठबंधन प्रत्याशी रितेश पांडे ने जलालपुर में जनसभा कर शहजादपुर में भी समर्थकों को संबोधित किया, जबकि भाजपा प्रत्याशी मुकुट बिहारी ने कटरिया याकूबपुर में जनसभा कर अपने समर्थकों को संबोधित किया। भाजपा की जनसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. महेंद्रनाथ पांडे सहित सांसद डॉ. हरिओम पांडे, जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा सहित सभी पदाधिकारी शामिल हुए, जबकि गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा रहा।